अगर आपका मोबाइल चोरी या फिर खो गया है तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा CEIR जो कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसके जरिए आप अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल किसी गलत हाथों में पड़ जाता है तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि अगर ब्लॉक करने के बाद वो मोबाइल बिल्कुल एक तरह से डेड हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। मोबाइल ब्लॉक करने के लिए आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो मोबाइल चोरी हुआ है उसका बिल आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपको ऑनलाइन FIR करनी पड़ेगी। ऑनलाइन FIR की मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको ऊपर आई बटन में भी शो हो जाएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका ID प्रूफ। ये 3 डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन ब्लॉक करने के लिए जरूरत पड़ेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे अपने मोबाइल PC पर भी इसको ब्लॉक कर सकते हो। तरह आपका चोरी हुआ मोबाइल या फिर गुम हुआ मोबाइल को ब्लॉक किया जाता है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अपने स्मार्टफोन यानी मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना होगा। यहाँ आपको टाइप करना होगा CEIR। आपको थोड़ा नीचे आना होगा। CRI टाइप करने के बाद आपको सबसे ऊपर जो लिंक आ रहा होगा https://ceir.gov.in, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सेंट्रल डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन, तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। तो आपको सीधा नीचे आना होगा। देखिए यहाँ पे आपके सामने ये 3 ऑप्शन हो रहा होगा, ब्लॉक, स्टोनेन, लॉस्ट मोबाइल। मतलब आपका मोबाइल भी चोरी हो गया है या फिर खो गया है, तो आपको ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे इस वाले रेड कलर के बॉक्स पे क्लिक करना होगा। अगर आप मोबाइल पे भी करना चाहते हो तो डेस्कटॉप वर्जन पे भी इसे करके कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे गुम हुए और चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए होता है ये। इसके लिए जो FIR है उसकी मैं पहले से एक 2 वीडियो बना चुका हूँ, लॉस्ट की और एक चोरी की। लिंक आपको आई बटन पे भी शो हो जाएगा और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। लेकिन देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखे, महाराष्ट्र और दिल्ली के सब्सक्राइबर के लिए, यानी आपका मोबाइल महाराष्ट्र या दिल्ली में चोरी हुआ या खो गया है तो आप ब्लॉक करने के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपके स्लॉट 1 पे यानी सिम 1 पे आपने कौन सा नंबर लगाया था वो यहाँ डाल देना है। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, इस मोबाइल नंबर का जो आप डाल रहे हैं वो चालू होना चाहिए क्योंकि उसी पे OTP आएगा। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे स्लॉट पे कौन सी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लगा, कौन सा मोबाइल नंबर था वो यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा देखिए EMI 1, सिम 1 में जो EMI है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। आपके पास आपके बिल में और आपके मोबाइल के बॉक्स में भी आपको EMI नंबर दिख जाएगा, तो यहाँ हम EMI नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको EMI 2 डाल देनी है। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांड पे आप जैसे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी आपके कौन से कंपनी का मोबाइल था वो यहाँ पे डाल देना है। तो मेरा सैमसंग कंपनी का मोबाइल था तो मैं यहाँ में सैमसंग डाल देता हूँ। यहाँ आपको अपने मोबाइल का मॉडल नंबर डाल देना है, जैसे मेरा सैमसंग का मोबाइल है तो इसका मैं मॉडल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपलोड मोबाइल परचेज इनवॉइस, मतलब आपको अपने मोबाइल का बिल डाल देना है यहाँ पर। तो हम यहाँ मोबाइल का बिल डाल देंगे। लॉस्ट प्लेस, मतलब आपका मोबाइल कहाँ खोया था या फिर चोरी हुआ था वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। जो आपके FIR में लिखा होगा वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद लॉस्ट डेट डाल देनी है, कब आपका ये चोरी हुआ था वो डेट डाल देनी है आपको। तो यहाँ हम डेट डाल देते हैं। यहाँ आप टाइमिंग डालना चाहे तो डाल सकते हो। तो हम सिंपल यहाँ डेट यहाँ डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट योर स्टेट, मतलब आपको यहाँ पे स्टेट डाल दे, यहाँ पे आपको स्टेट डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी लगती है वो डाल देनी है आपको। यहाँ आपको जो डिस्ट्रिक्ट में चोरी होता है वो यहाँ पे आपको डाल देना है।
पुलिस कंप्लेंट नंबर, यहाँ पे आपको FIR नंबर डाल देना है। उसके आगे अपलोड पुलिस कंप्लेंट, यहाँ पे आपको चूज फाइल में आपको जो आपने FIR करी थी वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ हम FIR को अपलोड कर देते हैं। एड मोर कंप्लेंट, मतलब आपके और भी कंप्लेंट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल ओनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आना होगा। ओनर नेम, जिसके नाम पे बिल है उसका यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। आइडेंटिटी, मतलब सिलेक्ट पे ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर आईडी डाल सकते हैं। तो मुझे आधार कार्ड डालना है तो यहाँ आधार कार्ड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देनी है, वैसे कंपलसरी नहीं है ईमेल आईडी डालना, तो यहाँ मैं फिर भी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। जो आपने ऊपर सबसे ऊपर मोबाइल नंबर डाला था वो सबसे नीचे आ जाएगा, इसलिए गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे हम, तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा जिसकी टाइमिंग 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर आपको ये ओटीपी डालना होगा। तो यहाँ पे मैं ओटीपी डाल देता हूँ। जैसे आप वेरीफाई पे ओटीपी क्लिक करोगे, देखिए यहाँ वेरीफाइड लिखा आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आई हैड वाई डिक्लेरेशन पे क्लिक टिक मार्क लगा कर या टिक मार्क करके सबमिट का बटन दबा देना है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आ गया होगा योर रिक्वेस्ट ब्लॉकिंग इज एक्सेप्टेड, डिवाइस विल 24 घंटे के अंदर आपका ये मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी भी आ गई है। यहाँ पे जो डिटेल आपने जो फिल करी थी वो सब नीचे यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपका मोबाइल मिल जाता है तो आप इसको अनब्लॉक कर सकते हैं। अनब्लॉक के लिए भी 24 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्रिंट, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आपको प्रिंट कर लेना है। सेव करना चाहे तो आप इसे सेव भी कर सकते हैं। तो इसे हम सेव कर लेंगे। और आपने जो ब्लॉक की रिक्वेस्ट डालनी है, इसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको दोबारा होम पेज पर यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखिए चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे चेक रिक्वेस्ट पे यहाँ पर आपको अपना चेक रिक्वेस्ट नंबर डाल देना है। यहाँ सिंपल यहाँ सबमिट का बटन दबा देना है। देखिए जैसे हमने सबमिट का बटन दिखा रखा है, आप देखिए स्टेटस में दिख रहा होगा ऐप सेट फॉर ब्लॉकिंग, मतलब ब्लॉक के लिए ये ऐप सेट हो चुकी है। इस तरह से आप अपने चोरी का मोबाइल या मोबाइल आपका खो चुका है, कोई आपका मोबाइल का मिसप्लेस ना कर पाए, तो इस तरह से आप इसको ऑनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं। अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, मतलब किसी तरह से हम आपको मोबाइल खोया हुआ मोबाइल नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल आपको रिक्वेस्ट नंबर डाल देना है, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था रजिस्टर वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, रीजन लिखना होगा कि आप अनब्लॉक क्यों करना चाहते हो। तो यहाँ पे रिकवरी बाय पुलिस से मिल गया है, फाउंड फॉर आपको खुद ढूंढने से मिल गया है, ब्लॉक मिस्टेक से हो गई थी, या अदर रीजन भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपने रजिस्टर करा था। उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी क्लिक करके आप अपने मोबाइल को रिक्वेस्ट को अनब्लॉक कर, जो आपने मोबाइल ब्लॉक किया था वो अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।